नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो हमारे खेत खाली पड़े हैं उनका सदुपयोग कैसे करें। मित्रों, इस बार जैसे आप सभी लोगों को विदित है कि मौसम कुछ बहुत अच्छा मेहरबान नहीं रहा और बारिश भी बहुत अच्छी नहीं हुई, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धान की फसल को लगा भी नहीं पाए ठीक से, और जो लगा पाए हैं उनका सूखे की वजह से वो जा रही है। तो अब कुछ इनकम ऐसी हो जो हमारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धान की फसल को लगा नहीं पाए, तो उन लोगों के लिए और जो लगा पाए हैं लेकिन उनके धान को लग रहा है कि हम अब इनसे हमारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तो ऐसे खेतों को, खाली खेतों को हम गेहूं की फसल के बुवाई के बीच में कुछ ऐसा फिलअप करके जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आमदनी हो जाए। तो कुछ ऐसी फसलें जिनका, जिनको हम लगा करके उनसे अच्छी आमदनी ले सकते हैं, तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इस बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे कि हमारा यह पहला वीडियो है और थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी किसी कारण से, लेकिन उस चीज़ों को आप इग्नोर करें और जानकारी को साझा करें और अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। मित्रों, सबसे बेस्ट समय है इस समय हमारे पास, जो पांच फसलें हम ठीक से लगा सकते हैं। तो पहली फसल है तोरिया, या जिसको हम लाही भी कहते हैं और गांव देहात की भाषा में उतहला भी कहा जाता है। तो राई, ये सरसों प्रजाति की, सरसों की ही प्रजातियां हैं, काली सरसों की, तो लाही, उतहला या तोरिया कहा जाता है। तो इसको हम अगस्त के महीने में, हम खेत की तैयारी कर लें अच्छे तरीके से, जिन खेतों का हम अब, अगर अभी घास फूस खेतों में उगाई है तो ग्लाइफोसेट नाम का रसायन दवाई आती है जिसका हम खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, उससे सारे घास फूस मर जाएंगे और इसके बाद हम खेत की जुताई कर सकते हैं। अब चूंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं अलग अलग तरीके से बनाती हैं, तो वो मार्केट में किसी और नाम से हो सकता है, लेकिन इसका जो रसायन नाम है वो ग्लाइफोसेट है, वो आप ले ला सकते हैं और उससे खेत में स्प्रे कर सकते हैं ताकि सारी घास वो सारे खेतों की वो नष्ट हो जाएगी। अब क्या करना है मित्रों, तो जुताई करके यदि हम फर्स्ट वीक में तोरिया की फसल लेते हैं तो सबसे बेस्ट समय है, और उसके बाद ये तोरिया की फसल हमारी नवंबर दिसंबर के पहले तक कट जाएगी और हम गेहूं की फसल ले सकते हैं। और दूसरे नंबर की फसल है हमारी, जैसे सब्जियों की खेती है, कुछ सब्जियों की फिलअप कर सकते हैं, जैसे मेथी है, यदि हम मेथी बो दें तो मेथी के हम गेहूं की बुआई तक यदि बारिश नहीं होती और ढाल वाले खेत हैं, जल भराव की स्थित खेतों में नहीं है, तो वहाँ मेथी बो सकते हैं यदि नज़दीक बाजार है तो। मेथी काट काट करके हम, मेथी की कटाई 2-3 बार हो सकती है और उससे हमारी आमदनी अच्छी हो सकती है। और उसके बाद हम आती है फसल धनिया, हम धनिया की भी बुआई कर सकते हैं और धनिया बारिश के मौसम में इसमें महंगा रेट मिलता है, तो उससे भी अच्छी आमदनी हो सकती है। और फसल आती है मूली, यदि हम मूली की भी बुआई कर सकते हैं तो मूली की उखाड़ करके हम मूली के बाद भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं और इससे हम बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ रही ऐसी फसलें, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आप इनका उपयोग करते हैं। और उसके बाद यदि आप गेहूं की फसल भी लेते हैं तो गेहूं की फसल पर इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, बीच में आपको कुछ आमदनी भी हो जाएगी। यदि आपने मतलब इधर अगस्त और जुलाई और अगस्त में यदि खेतों में कुछ नहीं उगा पाए हैं तो ये फसलें आपकी अतिरिक्त आमदनी में बहुत मदद करें।